हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, अभी एक वीडियो डाली है यहाँ पर, केमिकल स्टॉक्स में गिरावट और आज मार्केट रिकवर हो गई, बट स्टिल हम देखते हैं तो मार्केट में जितने भी केमिकल स्टॉक्स है, जितने भी दिग्गज केमिकल स्टॉक्स है, वो सब गिरे हुए हैं। तो इसमें से मैंने कुछ केमिकल स्टॉक्स से रिलेटेड बातें करी है, इनके अलावा भी एक वीडियो को जाके देखिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और केमिकल स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है ब्लैक रोज। मैं आपको नाम बता देता हूँ, ब्लैक रॉक इंडस्ट्री। आज इसके क्या थे, आज इसके थे नंबर, और इसके नंबर देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके नंबर में जो काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, और ये शेयर आने वाले टाइम में 1000 के लेवल को भी टच कर सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर नजरें बना के रखिएगा। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े जाने, आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस में मिलती है। प्लीज इसको गो थ्रू करिए। कोई भी बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना है, और हमें जितना हो सके सपोर्ट करना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप पिंग कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर आपको किसी पर्सनल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, या फिर आपको पोर्टफोलियो क्रिएट कराना है, या फिर स्टॉक से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो वहाँ पेड सर्विस है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले हम रिजल्ट देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ब्लैक रोज के आज रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए। अगर हम देखें तो ये स्टैंडर्ड वाला नंबर है, इन ब्लैक्स में यहाँ पर नंबर है, ये इस क्वार्टर के नंबर है, लास्ट क्वार्टर के, और ये बात करें लास्ट ईयर के नंबर है सेम क्वार्टर के। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं टोटल रेवेन्यू। सबसे पहले रेवेन्यू देखते हो तो यहाँ पर रेवेन्यू आप देखेंगे ना, 10,210 लाख इन रुपीज से पहले 6,000, इससे पहले 6,673। तो ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे हम देखें तो कंपनी ने एक गजब का यहाँ पर रेवेन्यू में जंप लगाया। यहाँ पर देखिए ईयरली बेसिस एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस कंपनी का रेवेन्यू काफी बढ़िया होता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि हमने देखा है कि मोस्टली जितनी भी केमिकल कंपनी है उनका रेवेन्यू हमेशा बढ़ता ही हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। बट एक्सपेंडिचर उन्हें मार रहे हैं, तो हम देखते हैं एक्सपेंडिचर। तो अगर हम देखते हैं एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस, तो हमें पता चलेगी टोटल एक्सपेंस उनके ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार देखें तो 9,011 लाख इन रुपीज से पहले 5,000, इससे 5,880। तो एक्सपेंस देखिए यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो एक्सपेंस का बढ़ना अच्छी बात नहीं होती, और एक्सपेंस पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए तो अच्छी बात होती है। बट अगर हम देखें कुछ एक्सपेंसेस इसमें दो तरीके के होते हैं, एक वेरिएबल होते हैं और एक कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट रहेंगे, बट वेरिएबल पे हम थोड़ा सा लगाम लगा सकते हैं, जो कि अगर हम बात करें कॉस्ट को मटेरियल, तो यहाँ पर देखिए कॉस्ट मटेरियल पे ही पैसे ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा परचेज ऑफ स्टॉक्स इन ट्रेड, यहाँ पर ये चीज में भी यहाँ पर पैसा इनका ज्यादा जाता हुआ दिखाई दिया। तो ये कुछ चीजें इनकी बढ़ती हुई दिखाई दी है। बट ओवरऑल अगर हम देखें टैक्स एंड प्रॉफिट देने के बाद, तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करें, तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हमने बात करते हैं, तो आपको सामने यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई देगा, जो कि कितना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका प्रॉफिट है 902 लाख इन रुपीज से पहले 722 था, इससे पहले 597। तो स्टिल यहाँ पर एक्सपेंसेस ज्यादा हुए, बट अगर हम देखें प्रॉफिट तो ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर काफी बेहतरीन होता हुआ दिखाई दिया है, जो कि हमें यहाँ पर साफ दिखाई देता है। और ईपीएस में भी इसी तरीके के जंप है, 1.77% इस बार का, इससे पहले 1.42, इससे पहले 1.17। तो कंपनी के यहाँ पर जो नंबर है काफी बेहतरीन यहाँ पर नंबर आते हुए दिखाई दिए। और अगर हम यहाँ पर सेगमेंट वाइज अगर देखना है, एसेट यहाँ पर देखना चाहते हैं तो एसेट देख लीजिए, सेगमेंट वाइज कैश फ्लो देखना चाहते हैं कैश फ्लो देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको नंबर यहाँ पर कंसोलिडेट नंबर भी देखने हैं, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट सीधे देखते हैं, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, वही सेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 19-20 का अंतर है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस अगर हम ओवरऑल बात करें, तो कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छा खासा होता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर स्टार लगा के कि ये जो कंपनी है स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत टाइम पहले जब हमने इससे रिलेटेड बातें करी थी तभी ये माइक्रो कैप कंपनी थी, अब स्मॉल कैप बन गई है। आरओसी आरओई की बात करें तो 38% और 34% का है, जो कि काफी बेहतरीन। और ये शेयर केवल आपको बीएससी पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, एनएससी पे दिखाई नहीं देगा। प्लेसिंग कुछ है नहीं, डेट टू इक्विटी की बात करें तो 18% का डेट है, काफी बेहतरीन शेयर है। 238 रुपए से करेक्ट होके ये शेयर भी काफी नीचे आ चुका है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने है, कभी शेयर 1 रुपए का हुआ करता था, आज की डेट में 200 रुपए से ऊपर का ये शेयर चल रहा है।
और कंपनी में नेगेटिविटी कुछ नहीं है, बस केवल पॉजिटिव पॉजिटिव ही चीजें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जो कि आप इसके रिजल्ट के थ्रू भी देख चुके हैं। कंपनी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है, कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पर कंसिस्टेंट रहा है, कंपनी ईयरली बेसिस पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। ये नहीं कि कंपनी अभी चल रही है, कंपनी उससे पहले भी यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही थी, चाहे यहाँ पर लॉकडाउन हुआ हो या ना हुआ। रिजर्व्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, यहाँ पर बोरिंग कम होती हुई नजर आ रही है, और कंपनी वर्किंग प्रोग्रेस में भी पैसा खर्च कर रही है, कैश फ्लो अच्छा खासा है, आरओसी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई रही है। और बात करें तो प्रमोटर्स का 75% की होल्डिंग है, एफआईज 0.06% और डीआईज की बात करें तो 24% की होल्डिंग यहां पर रखते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें, सॉरी पब्लिक की बात करूं, 24% की होल्डिंग यहां पर रखते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें ब्लैक रोज, तो ब्लैक रोज एक बेहतरीन शेयर है, और ऑलरेडी शेयर अच्छा खासा है, यहां पर आपके पैसे को मल्टीबैगर बना चुका है, नो डाउट। बट यहां पर क्या करना है क्या नहीं करना है उससे रिलेटेड बता देता हूं। तो देखिए, जैसे कि हमने देखा है जितने भी स्टॉक से रिलेटेड केमिकल स्टॉक है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर वीडियो बनाई है और ब्रीफ में आपको समझाया है, तो यहाँ पर एक छोटा सा दबाव देखने को मिल सकता है। बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि 1000 के लेवल को भी टच कर सकता है, तो देखिए ऑपरेटर तो भगाना चाहेंगे तो इसे कभी भगा देंगे और पहुंचा भी देंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। 1000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, और उसमें से भी 22% के शेयर ही यहाँ पर दिखाई देते हैं, ज्यादा है भी नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल ये है कि ऐसी कंपनी जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है, ऐसी कंपनी को अगर आप पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाते हैं ना, तो सूनर और लेटर यहाँ पर चीजें बढ़ती हुई दिखाई देती है, और ऐसे जब भागती हुई दिखाई देती है तो चीजें आपको अच्छे खासे लेवल पर यहाँ पर ले जा सकती है। आज के रेट में देखिए लगभग 8 रुपए, लगभग 4.25-4.28% का यहाँ पर जब देखा गया है, थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट हो सकती है क्योंकि केमिकल सेक्टर में गिरावट है, बट जब ये चीजें भागनी शुरू करेगी तो दोबारा एक अच्छे खासे रिटर्न देती हुई नजर आएगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें एक चार्ट पैटर्न, तो देखिए यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अगर हम बात करें तो कप विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कप बन रहा है, कब बनने के बाद यहाँ पर छोटा सा हैंडल बना के चीजें शायद ऊपर निकले, तो यहाँ पर इस तरीके का ट्रेड निकलता है, तो यहाँ पर टारगेट अचीव होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है बट टारगेट जरूर अचीव होता है। तो उस टारगेट के लिए आप भी यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर शेयर 291 रुपये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 291 रुपये का मतलब क्या है, कितने परसेंट की अपसाइड यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो सीधे 91 रुपीज, मतलब यहाँ पर 40% के आसपास का यहाँ पर अपसाइड दिखाई दे रहा है। तो इस के लिए 40% के रिटर्न के लिए आप इस शेयर में जा सकते हैं, और कल की डेट में अगर गिरावट होती है तो बाइंग डिप्स करके यहाँ पर खरीद सकते हैं। कंपनी काफी बेहतरीन है, कंपनी बार बार अपने आप को प्रूव कर रही है, बीएससी पे लिस्ट है, एनएससी पे लिस्ट नहीं है। तो बीएससी पे ऐसी बहुत सारी आपको कंपनीज मिल जाएगी जो एनएससी पे लिस्ट नहीं है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, बट इन कंपनी का अगर आप नजरें बनाएंगे तो ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन रिटर्न देती हुई नजर आएगी, और दोबारा जब कभी ऐसी रैली आती हुई दिखाई देगी तो यही शेयर मल्टीपैगर बनते हुए दिखाई देंगे, यही शेयर भागते हुए दिखाई देंगे। तो इन कंपनी को डेली बेसिस पे ट्रैक करना भी सीखे, रिजल्ट काफी बेमिसाल है, कंपनी ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती आई है, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आपके बेहतरीन है, प्रमोटर्स के पास 75% है पिछले 2-3 साल से। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करना, बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, पिंक कर सकते हैं अगर कोई आपको हमारी सर्विसेज चाहिए। तो यहाँ पर बाकी वीडियोज को जाके देखिए, सीखिए सीखिए यहाँ पर ट्रेड लेना सीखे, कब खरीदना है वो सीखे, और इसी तरीके से मार्केट से पैसे कमाइए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।